हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फार्मा बेबी स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट प्रोसेस को आज समझते हैं। तो डाइजेस्टिव प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेस्ट न्यूट्रिएशन डिवाइडेड इनटू फाइव स्टेजेस: इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिफिकेशन। अब डिफिकेशन में जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं अंतर्ग्रहण, पाचन, आत्मसात करने यानी अवशोषण करना एंड लास्ट में क्या होता है शरीर बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, जो कि जो अनएब्जॉर्बेबल मटेरियल है उनको शरीर से बाहर निकालना। इंजेशन टेकिंग द फूड इनटू माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। जब मुंह से भोजन को लेते हैं उसको इंजेशन बोलते हैं। एंड डाइजेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल फूड इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म। द डाइजेशन ऑफ द फूड इज स्टार्टेड फ्रॉम अ माउथ एंड सलीवा इज सिक्रेटेड बाय सलीवरी ग्लैंड इन माउथ, इन विच एंजाइम एमाइलेज और टाइलिन प्रेजेंट होते हैं एंड दे कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर एंड मेक इट डाइजेस्टिबल। एंड डाइजेशन में क्या होता है? अनएब्जॉर्बेबल फॉर्म को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बॉडी से लिया जाता है एंड यहाँ पे मुंह में सलीवा सेक्रेटेड होता है जहाँ की एमाइलेज नाम की एंजाइम और एमाइलेज और टाइलिन नाम की एंजाइम प्रेजेंट होती है जो कि शुगर को तोड़ती है स्टार्च में। अब देख लेते हैं, इन ह्यूमन सेक्रेशन ऑफ सलीवा इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर पर डे, यानी कि लगभग 1.5 लीटर लार पर डे सिक्रेट होता है बॉडी से। द नेचर ऑफ सलीवा इज एसिडिक एंड एसिडिक नेचर का होता है जिसका पी एच 6.8 to 7.3 होता है एंड द माउथ फूड रीच इन टू स्टमक थ्रू फूड पाइप और एसोफोगस। एंड फूड यहाँ पे क्या होता है? माउथ के बाद एसोफोगस में जाता है जिसको फूड पाइप कहा जाता है। एंड डाइजेशन फूड पाइप में नहीं होता है डाइजेशन की प्रोसेस। एंड द टीथ यूज टू ग्राइंडिंग द फूड इज मोलर, एंड छोटे छोटे भागों में तोड़ने के लिए भोजन को मोलर टीथ का यूज़ किया जाता है। एंड रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पुश एंड फूड द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से भोजन क्या होता है? मूवमेंट होता है एंड भोजन को आगे फॉरवर्ड पुश करता है। अब देख लेते हैं डाइजेशन इन स्टमक। द फूड लाई अप्रोक्सीमेटली 4 आवर इन स्टमक। लगभग 4 घंटे तक जो खाना है वो हमारे स्टमक में रहता है। इसके बाद रीचिंग द फूड इन स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट द गैस्ट्रिक जूस, और यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है एंड दिस लाइट येलो एसिडिक लिक्विड होता है एंड पीएच इसकी 1.5 to 3.5 होता है जो कि काफ़ी एसिडिक होता है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड फ्रॉम द ऑक्सेंटिक सेल ऑफ स्टमक, जो कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है जो कि स्टमक में जो कि किल कर देता है बैक्टीरिया को जो कि फूड के साथ आते हैं बॉडी में। एंड एक्सेलेरेट द रिएक्शन ऑफ एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक द फूड एसिडिक बाई विच एमाइलेज रिएक्शन द ऑफ सलीवा एंड सलीवरी इंड। फ्रेंड्स, पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें ताकि आप कंप्लीट डाइजेशन के प्रोसेस को समझ सकें। यहाँ पे क्या होता है? फूड द एंजाइम इन गैस्ट्रिक जूस स्टमक पेप्सिन रिलीज होता है एंड यहाँ पे पेप्सिन एंड रिलीज होता है। एंड पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देना एंड रेनिन ब्रेक्स डाउन द कैसिनोजन इनटू कैसीन, जो कि मिल्क में पाया जाता है। कैसीन को कैसिनोजन में तोड़ता है एंड डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। अब स्टमक के बाद खाना इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जो कि यहाँ पे स्टोरी क्या होती है कि इंटेस्टाइन इज ऐसो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इंटेस्टाइन को, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन है।
एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज सब डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। अब देख लेते हैं ये थ्री पार्ट में क्या है। ड्यूडिनम, जियोजिनम एंड इलियम में डिवाइड करते हैं। एज सून द फूड रीच द ड्यूडिनम, बाइल जूस यहाँ पे सीक्रेट होता है ड्यूडिनम में। फ्रॉम लीवर कंबाइन विथ इट बाइल जूस टर्न द एसिटिक, यहाँ पे बाइल जूस के साथ कंबाइन होके फूड एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है एंड मीडियम ऑफ फूड टू अल्कलाइन। यहाँ पे हमने देखा था पीछे कि फूड को एसिडिक मीडियम स्टमक में मिलता है और यहाँ पे एसिडिक मीडियम कन्वर्ट टू फूड अल्कलाइन लीवर में यहाँ पे हो जाता है। एंड देन पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियास से सिक्रीट होते हैं विद फूड। इट कंटेन थ्री टाइप ऑफ एंजाइम, यहाँ पे थ्री टाइप एंजाइम के साथ इनकी मुलाकात होती है जहाँ पे ट्रिप्सिन, यहाँ पे एंजाइम होते हैं प्रेजेंट ट्रिप्सिन। इट कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू पेप्टोन, जो कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है एंड पॉलीपेप्टाइड एंड एमिनो एसिड एमाइलेज। इट कन्वर्ट द स्टार्च इनटू सोल्युबल शुगर। लाइपेस एंड थर्ड इज लाइपेस, इट कन्वर्ट द इमल्सिफाइड फैट इनटू ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड, जहाँ पे लाइपेस क्या करता है फैट को इमल्सिफाइंग कर जाता है एंड ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में इसको ब्रेक डाउन करता है। अब देख लेते हैं साइटो कोलेस्टोकाइनिन। कोलेस्टोकाइन क्या है, एक हार्मोन होता है जो कि सिक्रेटेड बाय इंडोक्राइन सेल्स ऑफ ड्यूडिनम एंड ड्यूडिनम में सिक्रेट होता है एंड दिस विच इंड्यूस द रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम पैनक्रियास एंड बाइल गॉल ब्लैडर। इट आल्सो ऑन द एपेटाइट सप्रेशर, जो कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि साइटोकाइन क्या है। साइटोकाइन हार्मोन है जो कि सिक्रेटेड बाई इंडोक्राइन एंड ड्यूडिनम, जो कि सप्रेस करता है एपेटाइट को। एंड ज्यूजिनम यहाँ पे होता है जो कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है एंड फ्रॉम वॉल ऑफ स्माइल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है। एंड यहाँ पे जो इसमें कौन कौन सी एंजाइम है चलिए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एंजाइम इरेप्शन, इट कन्वर्ट द रिमेनिंग प्रोटीन टू पेप्टोन इनटू एमिनो एसिड। एंड नेक्स्ट इज बी इज माल्टेज, इट कन्वर्ट द माल्टोज इनटू ग्लूकोज। एंड सी इज सुक्रेज, इट कन्वर्ट द सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। और क्या होता है यहाँ पे नेक्स्ट एंजाइम होता है लैक्टेज प्रेजेंट होता है, इट कन्वर्ट द लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। एंड नेक्स्ट इज लाइपेज, इट कन्वर्ट द इमल्सिफाइड फैट इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। एंड इंटेस्टाइनल जूस इज अल्कलाइन इन नेचर, जो इंटेस्टाइनल जूस होता है प्रेजेंट उनका नेचर होता है वो होता है अल्कलाइन इन नेचर, यानी कि बेसिक नेचर का होता है। एंड हेल्थी पीपल, जो हेल्थी मैन है उनके अंदर 2 लीटर अप्रोक्सीमेटली इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट एवरी डे। इलियम, जो कि इलियम में क्या होता है फूड का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है एंड डाइजेशन ऑफ फूड गेट मिक्स इनटू ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और यहाँ से जो होता है फूड का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है एंड ब्लड में इसका एब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस थ्रू आउट विलाई फाउंड इन वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और इलियम, यानी कि इलियम में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है जिससे भोजन का जो होता है एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है यूज ऑफ एब्जॉर्ब